हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारा BPSC TRE 1 BPSC TRE 2 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप BPSC TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पूरे सिलेक्टेड प्रश्न हैं तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न जरूर बन जाएंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरुद्दीन तैयब जी, जो है भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बताते थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो रोलेक एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। रोलेक एक्ट जो है 1919 में भारत में आया था। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा चमनदीव ने अमृतसर पंजाब में डंडा फौज का जलियांवाला हत्याकांड, डंडा फौज की स्थापना चमनदीव के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दयाल दास जो है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। उन्हें जो है 1908 में फांसी दी गई थी और उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल और काशीराम, इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9 है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक थे। 10 हमारा है, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 में नरम दल व गर्म दल दो गुटों में जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 11, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी सी हिल्टन जो है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था। उस दिन जो है जी सी हिल्टन के द्वारा 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। प्रश्न हमारा 12 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी महाराज जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4th और सरदेशमुखी जो है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 महत्वपूर्ण कर थे, और ये जो कर हैं ये सभी भूमिगत कर थे। 14 हमारा है, लंपट मूर किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहा जाता था, क्योंकि जो है ये दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में भी आ जाता था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नादिर शाह को, जो कि भारत से हमारा मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर गया था। ईरान नेपोलियन, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और भारत पर आक्रमण 1839 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस जो है, ये मुगल दरबार में जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न हमारा 18 है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था।
प्रश्न नंबर 19 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, और गुरु गोविंद जो है सिख गुरु के 10वें गुरु थे। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड विलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की जाती है। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, 21 है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धार की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1972 में शिमला समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 26 हमारा है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हंसराज। जनरल डायर की जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में उसकी सहायता करने वाला हंसराज नाम का व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 29 है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, तेजावत जी के द्वारा मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा व्हाइट मैन कमीशन भी। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है सभी अंग्रेज लोग शामिल थे। प्रश्न नंबर 31 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये वाला, 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है प्रारंभ हुआ था और जनवरी 1931 तक चला था। यदि इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 33, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, 1947 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1947 के कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 45 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है पंजाब केसरी वाला प्रश्न कई बार हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, सैंडर्स की हत्या करने किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। प्रश्न नंबर 37 है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में अपना पहला बलिदान दिया था। प्रश्न नंबर 38 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो 1947 वाला जो पहला जश्न है आज़ादी का, उसे कलकत्ता में मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 41, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था।
प्रश्न नंबर हमारा 42 है, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और 30 जनवरी को प्रतिवर्ष हमारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 43 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो है, ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। प्रश्न नंबर 44 हमारा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो 385 किलोमीटर की दूरी को तय करके दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च को हुई थी और 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 मार्च को नमक कानून को तोड़ा गया था। 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा गया था 24 दिनों की यात्रा के बाद। अगला प्रश्न हमारा है 45, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न हमारा 46 से, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 47 है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक अभी रह गया जिसे हम इस वीडियो में करा देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।